Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर व्हाट्सएप के लेटेस्ट जो नया फीचर है उस फीचर के बारे में आपको इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो फीचर है दोस्तों जो मैं आज आपको बताऊंगा वह बहुत ही काम का है हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन किया। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर किसी भी कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट या ग्रुप किसी को भी ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं कि हमें कुछ भी रिकॉर्ड करना है, हमारी वॉइस रिकॉर्ड करनी होती है तो हमें यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करके इसे होल्ड रखना पड़ता है। बट दोस्तों अब हमें इसे होल्ड नहीं रखना है, हमें दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करके रखना है और क्लिक करने के बाद ऊपर लॉक का साइन आ जाएगा, हमें वहाँ पर क्लिक कर देना है। जिससे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग, जब तक हम सेंड के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग होती रहेगी। यह दोस्तों व्हाट्सएप का लेटेस्ट फीचर है। इस फीचर के थ्रू आपको दोस्तों अब इसे यहाँ से होल्ड करके इसे दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसे जब तक होल्ड करेंगे जब तक ही हमारी वॉइस रिकॉर्ड होगी। हमें बस इसे यहाँ से 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद हमें लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर ऑटोमेटिक होती रहेगी जब तक हम इसे सेंड नहीं करेंगे। अगर दोस्तों आपको भी यह फीचर अपने व्हाट्सएप में चाहिए तो आपको इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर व्हाट्सएप को सर्च करना है और व्हाट्सएप को सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं व्हाट्सएप मैसेंजर आ चुका है, यहाँ पर हमें इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बीटा टेस्टर हूँ, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है यू आर बीटा टेस्टर फॉर दिस ऐप ऑसम। तो दोस्तों आपको भी इसके जो बीटा वर्जन है उसके अंदर आपको इसके अंदर ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास आ रहे यू आर बीटा टेस्टर, यहाँ पे लीव का बटन आ रहा है। बट दोस्तों आप अगर बीटा वर्जन फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने से आप इसके अंदर आप का भी व्हाट्सएप बीटा वर्जन में हो जाएगा और जो भी अपडेट आएगा, जो भी व्हाट्सएप का फीचर आएगा, पहले बीटा वर्जन में जाएगा फिर व्हाट्सएप के ओरिजिनल वर्जन के अंदर वह अपडेट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम व्हाट्सएप के लेटेस्ट फीचर को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।